हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्नैप इन्फो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और सिविल डिफेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होता है, और इसमें आपको एक एजेंसी लेटर भी देनी होती है पुलिस वेरिफिकेशन के फॉर्म भरते समय। और उसका लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके उसमें सारी डिटेल फिल करके अपलोड कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और गाइस, मैं आपको बता दूं, सिविल डिफेंस रिलेटेड सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। आपको फॉर्म कैसे भरना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए, सी फॉर्म कैसे मिलता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, आप डायरेक्टली चैनल पर भी जा सकते हैं। और गाइस, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है ताकि आपको सारा प्रोसेस अच्छे से समझ आए। और चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर और दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले गाइस, आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, और यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेनी है। उसके बाद से आपको जाना है सर्च बार में, और यहाँ पर आपको सर्च करना है PCC दिल्ली। और PCC दिल्ली सर्च करने के बाद से गाइस, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दो लिंक आया हुआ है, एक PCC और एक रजिस्टर्ड PCC। तो अगर आप ऑलरेडी दिल्ली पुलिस के वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं तो आप फर्स्ट लिंक पे जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम PCC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर्ड PCC पे क्लिक करना है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद से कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रजिस्टर करने का ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है जो कि आपके फ़ोन में लॉगिन हो। ईमेल आईडी डालने के बाद से आपको सेंड मी वैलिडेशन कोड पे क्लिक कर देना है, उस कोड को आपको यहाँ पे एंटर करना है, और एंटर करने के बाद से आपको सबमिट कर देना है। और गाइस, कोड हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आ चुका है और उसे हम एंटर करते हैं। कोड को एंटर करने के बाद से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपको दिख रहा होगा न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर, और सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में आता है यूज़र टाइप, तो इसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद से अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सिविल डिफेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल हैं, तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से हम अपना नाम डालेंगे, ईमेल आईडी ऑलरेडी एंटर है, उसके बाद से आपको पासवर्ड अपना बनाना है। पासवर्ड बनाने के बाद से आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा, कैप्चा एंटर करने के बाद से साइन अप पर क्लिक कर देंगे। और गाइस, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फील्ड वेरिफिकेशन पीरियड विल बी 7 वर्किंग डेज फॉर इमिग्रेशन एंड 21 डेज फॉर एम्प्लॉयमेंट। PCC will be withdraw or cancel if found a misuse without notice. तो guys, finally अब हम PCC के लिए registered हो गए हैं। registered होने के बाद से अब आपको यहाँ पे login करना होता है। login करने के लिए जिस ID से आपने registration किया उसे डालना है, और password जो आपने बनाया है वो, और उसके बाद से आपको capture डालना है और login पे क्लिक कर देना है। login पे क्लिक करने के बाद से guys, आपको यहाँ पे form fill करने का option दिख जाता है, और इस फॉर्म के अंदर अपनी सारी डिटेल केयरफुली एंटर करनी होती है आपको। तो चलिए अब हम फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है एप्लीकेंट्स नेम, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख जाते हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। उसके सामने आपको अपना नेम एंटर करना है, उसके सामने आपको ऑप्शन दिख जाता है SO DO और WO। तो अगर आप अपना फादर नेम एंटर करना चाहते हैं तो SO, अगर आप किसी की वाइफ हैं तो WO और डॉटर हैं तो DO। तो मैं SO सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद से यहाँ पे मैं अपना फादर नेम एंटर कर दूँगा। फादर नेम एंटर करने के बाद से गाइस, अगर आप दूसरे साइड आते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होती है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद से गाइस, आपको अपना एड्रेस एंटर करना होता है उसके बाद से, और इस एड्रेस पर आप कब से रह रहे हैं उसको आपको यहाँ पर एंटर करना होता है। तो मैं 2018 से इस एड्रेस पर रह रहा हूँ, और अभी 2020 चल रहा है 11वां महीना, तो वो मैंने एंटर कर दिया है। और उसके बाद से आप नीचे आएंगे, तो अगर आप एक से ज़्यादा एड्रेस पर रहते हैं तो उसे भी आप डाल सकते हैं, और उसका भी टाइम पीरियड यहाँ पर डाल सकते हैं। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद से आप नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आपको नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है, तो मैं इंडियन हूँ। उसके बाद से आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, तो चलिए मैं आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देता हूँ। आधार नंबर एंटर करने के बाद से गाइस, आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखता है, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, और जो भी आपका पुलिस स्टेशन है जिस एरिया में आप रहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस, मैंने अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लिया नागलोई। उसके बाद से आपका डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिख रहा होगा, और यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो PCC टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे जब आप PCC टाइप के सामने क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखता है, एम्प्लॉयमेंट और एमिग्रेशन। तो आपको एम्प्लॉयमेंट पे जाना है ना कि एमिग्रेशन पे। एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करने के बाद से आपको नीचे जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो
तो गाइज ऊपर की सारी डिटेल हमने फिल कर ली है एक एक करके। तो गाइज जेंडर सेलेक्ट करने के बाद से आपको ऑप्शन दिया जाता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन डिटेल। तो गाइज इसको आपको बहुत ध्यान से फिल करना है। तो पीसीसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम में डालना है डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस, और एड्रेस में डालना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ईस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स बी ब्लॉक एल एम बंड कृष्ण कुंज शास्त्री नगर दिल्ली 11031। इसको डालने के बाद से नीचे आते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का फ़ोन नंबर भी डालना होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का फ़ोन नंबर आपको दिख रहा होगा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद से आपको नीचे एक ऑप्शन दिया जाता है क्रिमिनल केस डिटेल्स। तो अगर आपके ऊपर कोई पहले से केस है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। तो मेरे ऊपर कोई केस नहीं है तो मैं नो कर दूंगा। उसके बाद से नीचे गाइस आप आते हैं तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने का ऑप्शन दिख जाता है। और डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, और फोटो साइज़ जो है वो 20KB से कम होनी चाहिए। और सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स फॉर रेजिडेंस प्रूफ, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस इलेक्शन आईडी कार्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल पासपोर्ट टेलीफोन बिल। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आधार कार्ड एंटर कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम फोटो अपना अपलोड कर लेते हैं, और फोटो साइज़ 20KB से कम होनी चाहिए। तो हम चूज़ फाइल पर जाएंगे, और फाइल पर जाके जो भी आपकी फ़ोटो है फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए और लेटेस्ट होनी चाहिए। तो गाइस हमने फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद से हम डॉक्यूमेंट अब अपलोड करेंगे, और डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय याद रहे कि डॉक्यूमेंट अगर आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो उसका फ्रंट और बैक दोनों साइड होना चाहिए और अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर आपका साइन भी होना चाहिए। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट भी चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद से आपको थर्ड नंबर पे अटैच द लेटर ऑफ एजेंसी रिक्वायर पीसीसी, और इस एजेंसी लेटर का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से चेक कर सकते हैं और उसे डाउनलोड करके उसमें सारी डिटेल फिल करके और उसकी साइज़ 200KB से कम कंप्रेस करके अपलोड कर सकते हैं। तो गाइस फोर्थ नंबर पे रेंट एग्रीमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है, और जिसकी साइज़ 200KB से कम होनी चाहिए। तो अगर आप रेंट पर रहते हैं तो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कंपलसरी भी नहीं है। और उसके बाद से आपको सेव पे क्लिक कर लेना है। सेव पे क्लिक करने से आपका जो भी डाटा है वो सेव हो जाता है और ये डिलीट नहीं होता है, इसका बेनिफिट ये है। तो गाइस सेव पे क्लिक करने के बाद से हम अपनी सारी डिटेल एक बार कंफर्म कर लेते हैं, सारी चीज़ें हमने सही से अपलोड करी है कि नहीं। और अगर सारी चीज़ें ठीक है तो उसके बाद से आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद से गाइस आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख जाता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो जिस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट करके पे नाउ पे क्लिक कर दूंगा। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद से गाइस आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख जाता है, मास्टर कार्ड और वीज़ा। तो जो भी कार्ड आपके पास है तो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास वीज़ा है तो मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा। वीज़ा सेलेक्ट करने के बाद से गाइस आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करनी है, एक्सपायरी डेट डालना है, मंथ ईयर डालना है, सिक्योरिटी कोड डालना है, और उसके बाद से आपको अमाउंट जो पे करनी है वो 251.87 पैसा, इतने रुपीस आपको पे करना है। और सारी डिटेल डालने के बाद से आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है, और आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद से आपको रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है, और आपको वेट करना है 21 डेज का। पीसीसी बनने में 21 डेज का टाइम लगता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, देन आपकी पीसीसी आएगी। अगर गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं गाइस एक ऐसी वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।